भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और लगातार नए नए वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड 19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के XBB सब वेरिएंट को लेकर चेतावनी दी है और कहा है कि इसकी वजह से कुछ देशों में कोरोना वायरस संक्रमण की एक और लहर आ सकती है। WHO ने XBB सब वेरिएंट को लेकर चेताया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि SARS-CoV-2 वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के XBB सब वेरिएंट के कारण कुछ देशों में कोविड-19 संक्रमण की एक और लहर आ सकती है। ओमिक्रॉन के 300 सब वेरिएंट हैं मौजूद। डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा, ओमिक्रॉन के 300 से अधिक सब वेरिएंट हैं। मुझे लगता है कि अभी जो चिंता का सबब है वो XBB है, जो पुनः संयोजित वायरस है। हमने पहले भी कुछ पुनः संयोजित वायरस देखे। ये प्रतिरक्षा तंत्र से बचने की क्षमता रखता है, जिसका मतलब है कि एंटीबॉडी का भी इस पर असर नहीं पड़ता। इसलिए हम धीरे धीरे XBB के कारण कुछ देशों में संक्रमण की एक नई लहर देख सकते हैं।